अरे प्लीज बड़े मुंह वाले गंदे से अंकल मुझे छोड़ दो। हे चुप कर बच्चे, तू मेरे साथ चलेगा। अरे प्लीज छोड़ दीजिए आप, मेरे अपने क्या बिगाड़ा है। बकवास मत कर, तुझे अभी बोलना भी नहीं आता। मैंने तुझे किडनैप किया हुआ है, मैं तुझे बहुत बड़ा शैतान बनाऊंगा। नहीं मुझे शैतान नहीं बनना, आप मुझे यहाँ के लेके आए क्योंकि यहाँ पर मैं चोरी करने आया हूँ। आयरन मैन का जायंट सूट मजा आ जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा और तेरा इस्तेमाल करूंगा छोटे से बच्चे। अरे कोई मुझे बचाए। चुप कर, बकवास मत कर बच्चे। अरे ये सूट तो बड़ा ही बड़ा खतरनाक है, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इस पर कलर करूंगा ब्लैक और रेड, अच्छा लगेगा हैं, वो अच्छा लगेगा। अरे प्लीज मुझे बचा ले। चुप कर छोटे बच्चे, बहुत बोले जा रहा है, तुझे यही मार दूंगा। ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई तो मुझे बचाने आएगा एक दिन, मुझे तेरा नौकर नहीं बनना, तू बुरा अंकल है। बकवास मत कर, इज्जत से बात कर समझा, तू मेरा नौकर है समझा, और तू बहुत बड़ा शैतान बनेगा। यार चलो मैं उठ जाता हूँ, वैसे इनविजिबल गद्दा अच्छा लग रहा है इतना ऊपर सो के, लेकिन काफी टाइम हो गया मुझे सोते सोते, अब उठ जाता हूँ। हाँ तो मेरा काम बाकी रह गया था उस जायंट सूट पर, मैं सोच रहा था अरे कौन है कौन है, अरे यार कोई भी नहीं था यार, किससे बातें कर रहा था मैं सपने में। हाँ तो मैं कह रहा था मेरा जो जायंट सूट है मैं उसको कलर करूंगा ब्लैक एंड ब्लू, काफी अच्छा लगेगा ना। हाँ चलो उसको जल्दी जाते हैं और कमाल का कलर देते हैं और उसको उसके पावर्स को और इंक्रीज करते हैं। वो सूट पूरा बना नहीं है जावेज, तुम चिंता मत करो। अरे क्या करूँ, ये जावेज तो जवाब ही नहीं देता। कोई बात नहीं, एक मिनट, ये क्या मेरा सूट कहाँ है जावेज? अरे बाप रे यार ये क्या हो सकता, नहीं 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 मेरा सूट फिर से चुड़ गया, ये कैसे हो सकता है, मैं फिर से सो रहा था और कोई सूट भी चुरा ले गया। मुझे अपने आयरन मैन की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी पूरे मैंसन की, क्या करूँ मैं आयरन मैन होते साथ लुट जाता हूँ। कोई बात नहीं जावेज, जल्दी मुझे मेरा सूट पहनाओ, मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा असल में किस गुस्ताख ने मेरा सूट चुराया, उसको खत्म कर दूंगा। अपने सैटेलाइट व्यू से मैंने पता लगा लिया, हल्क 2099 आया था यहाँ पर, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये रहा दी ब्लैक ऑर्डर वाला सूट, मुझे जल्द से जल्द आना होगा और अपने सूट को बचाना होगा। कहाँ पर है ये बेवकूफ हल्क 2099, इसको जान से मार दूंगा। और इसके साथ कोई बच्चा भी तो था यार, वो बच्चा कौन था, बेचारा रो रहा था, मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। चलो जल्दी चलते हैं जावेज, उसकी बैंड बजा देंगे हम, आज खत्म कर देंगे इसको। अरे बाप रे यार ये तो बड़ी खतरनाक सी हवेली लग रही है, कुछ जरूर गंदे काम होते हैं यहाँ पर, मुझे ध्यान से जाना होगा। ठीक है मैं पहुंच गया, अरे अरे कितना चढ़ना पड़ रहा है, बाप रे ये रहा मेरा सूट, फाइनली सूट तो मिल गया। एक मिनट ये हिल ढुल क्यों रहा है, जरूर इसके अंदर कोई बैठा है या फिर कोई काम कर रहा है इसमें। एक मिनट ये बच्चे को ने, अरे प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, उसने मुझे पकड़ा हुआ है, वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। अरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं आयरन मैन हूँ और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, जाओ से काम करो इस सूट को, मतलब इस केज को जल्दी से अनलॉक करो, हम इस बच्चे को बचा के लेके जाएंगे अपने सूट में। अरे यार जावेज फिर नहीं सुन रहा, शायद मेरा सूट ऑफलाइन है, जल्दी करता हूँ मैं। शुक्रिया अंकल मुझे बचा लो। किसकी आवाज आई, जल्दी चलना पड़ेगा, कौन है रे कौन है? अरे यार ये कहाँ से आ गया बच्चे, चल मैं जल्दी लेके जाता हूँ। रुको आयरन मैन, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे खत्म कर दूंगा मैं। अरे यार बाप रे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। आयरन मैन रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे यार क्या मैं जल्दी से, मैंने अपना क्लोन छोड़ रखा था वहाँ पर, उसको लग रहा है कि वहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी भी। अरे शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टोनी स्टार्क है बच्चे, और लोग मुझे प्यार से आयरन मैन बुलाते हैं, मैं बहुत खतरनाक सुपर हीरो हूँ, मतलब अच्छा वाला। हाँ शुक्रिया शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे आज से मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे फ्रैंकलिन? हाँ मैं जरूर बनूंगा पापा जी, शुक्रिया। लेकिन आपके सूट का क्या हुआ? हाँ बच्चे मेरा बिलियंस ऑफ डॉलर और सालों की मेहनत का सूट उसके पास रह गया, तुम चिंता मत करो, उस सूट को भी हम किसी ना किसी तरह से बचा लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें बचा लिया, वही बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनर बनाऊंगा, साथ ही साथ में तुम इतने ज्यादा ट्रेन हो गए कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाओगे, और तुम्हारा मिशन होगा सूट को वापस लाना। जी मैं जरूर लाऊंगा एक दिन। हाँ गाइस तो 12 साल हो चुके हैं और मेरे पापा मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। पापा क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अरे यार मैं बहुत टाइम से परेशान हो रहा हूँ मेरे बच्चे फ्रैंकलिन, मुझे वो सूट चाहिए, मुझे वो सूट चाहिए, क्योंकि मैं देश की सुरक्षा को बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे दुश्मनी देश चारों तरफ से हमला करने का सोच रहे हैं हमारे देश पर, और मैं परेशान हूँ कि कहीं मैं अपने देश की मदद करने में चूक ना जाऊँ कहीं पर, इसलिए मुझे वो सूट चाहिए। ठीक है पापा आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा किस दिन काम आएगा, हालांकि आपने अपने सूट को छोड़कर मुझे चुना था, उस दिन आप चाहते तो अपना सूट लेकर भी जा सकते थे। हाँ मेरे बच्चे तुम मेरे लिए काफी कीमती रहे हो हमेशा से, तुम्हारा कोई मोल ही नहीं है किसी भी अनमोल चीज से। हाँ पापा मेरी बात समझ में आ गई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है मैं आपका सूट आज के आज ही लेकर आऊंगा, ये देखिए मैंने क्या डेवलप किया। अरे वाह बच्चे तुमने अपने बॉडी के अंदर ही पावर एक्टिवेट कर ली। हाँ पापा इतना ज्यादा आसान भी नहीं था ये काम, लेकिन फाइनली मैंने कर लिया। अरे गलती से लगी, सॉरी पापा। हाँ बेटा कोई नहीं होता रहता है। अरे मैंने अपने पापा को ही मार दिया गलती से, कोई बात नहीं होता है गाइस, ये देखो मैं कितना अच्छी तरह से उड़ पा रहा हूँ, कितनी ऑसम पावर्स है मेरे पास। चलो ठीक है गाइस
पॉसिबल कि मेरी बैटरी लो हो, मुझे जल्द से जल्द पापा का सूट बचाना होगा। अरे यार इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं और ये इस पापा के सूट के साथ करना क्या चाह रहा है 2099, कहीं इसको बेच ना दे दुश्मन कंपनी को। लेकिन ये सूट अभी पूरी तरह से बना नहीं है इसलिए मुझे इसको जल्द से जल्द गाइस लेके जाना होगा। तो ठीक है सूट के अंदर बैठता हूँ और इसको लेके निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो ठीक है जॉविस मुझे सूट के अंदर बैठा दो। अरे यार ये जॉविस कभी सुनता ही नहीं है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। एक दो और जी तीन और की के गाइस मैं बैठ चुका हूँ। क्या बात है मैं फाइनली उड़ रहा हूँ। और अरे मैं उड़ नहीं पा रहा मतलब मैं भाग रहा हूँ। ठीक है ये सूट गाइस अभी पूरी तरह से बना नहीं है इसलिए मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस सूट को पापा को देना होगा। वो इस सूट को बहुत खतरनाक बनाएंगे। ठीक है पापा मैं आ गया सूट लेकर। पापा पापा कहाँ पर है? अरे बाप रे ये क्या हुआ? अरे गाइस ये क्या हो गया? जॉविस पापा कहाँ पर है? सर पापा को ले गए। कौन ले गया पापा को? क्या बोले जा रहा है जॉविस? गाइस बिल्कुल पागल है, कुछ सुनता ही नहीं है। मेरे हिसाब से जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अरे हाँ एक मिनट, हल्क 2019 अपने अड्डे पर नहीं था, इसका मतलब कहीं उसकी चाल तो नहीं थी, कहीं उसने इंटेंशनली मुझे सूट तो नहीं लाने दिया कि उसने मेरे पापा को उठा लिया। नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मुझे जल्दी जाना होगा। जॉविस सूट पहनाओ जल्दी से। अरे बाप रे जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे मुझे पूरी स्पीड में जाना होगा। गाइस मैं मेन सूट को नहीं लेके जा सकता क्योंकि इतनी मुश्किल में मैंने सूट बचाया है उसके गार्ड्स को मार के। मुझे बस अपने पापा को और बचाना होगा। फाइनली हम जीत जाएंगे। एक मिनट क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे तुम आ गए। हाँ पापा क्या हुआ, क्या परेशानी है? अरे असल में उसकी चाल थी, जैसे तुम वहाँ से निकले वो तुरंत इसने आकर मुझे बेहोश कर दिया और वो ले गया। हाँ तो भी सोचो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैं सूट को ले गया। हाँ मेरे बच्चे सूट को तो तुम ले गए लेकिन क्या फ़ायदा, उस सूट में ऐसी कुछ पावर्स ही नहीं है जिससे तुम या अपने आप को मुझे बचा पाओ। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे वो सूट पूरा बना ही नहीं था, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम हार चुके हैं। बच्चे फ्रैंकलिन तुझे क्या लगा इतनी आसानी से तू सूट ले जाएगा? तेरा पापा यही मरेगा तू भी। अरे नहीं नहीं मेरे पापा को छोड़ दे, मुझे तू खत्म कर दूंगा ना। ये क्या गैस ने मेरे पापा को मार दिया? नहीं दोस्तों नहीं 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 यह क्या से बकवास बच्चे, चल यहाँ से चल, वो सूट मुझे ला के देनी तुझे खत्म कर दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। वो हल्क बस्टर और सारे के सारे जितने भी सूट्स हैं उनको लेने गया है मस्टाक मेंशन में, और साथ ही साथ में उस बड़े वाले जायंट सूट को भी। लेकिन उसको नहीं पता मैंने जॉविस से पहले बोल दिया था सारे सूट को मूव होने के लिए लॉस सैंटोस से बाहर, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा इससे पहले कि वो आए। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, बहुत रोना हो गया, मुझे बहुत खतरनाक सूट बनाना ही होगा। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद, पूरे 22-23 साल बाद आज फाइनली मैं लॉस सैंटोस वापस आया हूँ और ये सूट आज मैं इसको रेडी करने वाला हूँ। और गाइस इसी सूट से मैं ख़त्म करूँगा हल्क 2099 और उसके आतंक को। तो ये सूट जैसे ही बन जाता है मैं अपने पापा की मौत का बदला लूंगा और हम बन जाएंगे बहुत ही अच्छे खासे आयरन मैन। तो मुझे नया आयरन मैन बनना होगा, दी ब्लैक एंड ब्लू आयरन मैन, काफ़ी सही नाम होगा। तो चलो जल्दी से मेरा काम बस पूरा हो गया, जॉब इसी सूट मुझे पहना दो। तो ठीक है मेरा सूट रेडी हो चुका है, ये देखो गाइस इसके अंदर से रेड रेस एंड येलो रेस एंड साथ साथ में ब्लू रेस निकल रही हैं, बहुत काफ़ी कमाल का सूट लग रहा है आराम से। तो देखा मैं फाइनली उड़ पा रहा हूँ दोस्तों, तो मज़ा ही आ गया, मैंने सूट को फाइनली पूरा रेडी कर लिया। बच्चे ये सूट मुझे दे दे, मैं बहुत टाइम से इसको ढूंढ रहा था, नहीं तो जॉन से मरेगा ये ले। देखा गाइस मेरी रेड रेस, मेरा गुस्सा सबको खत्म कर दूंगा मैं। बच्चे बकवास मत कर, इसने अपनी टीम को बुला लिया है दोस्तों, ये एक की जगह इतने सारे हो गए, तुम सब के सब मरोगे, हटो यहाँ से। गाइस मेरा लास्ट अटैक इन पे होने वाला है और ये देखो तुम्हारा क्या हाल किया मैंने। अरे हमें जिंदा छोड़ दे, तुम बचोगे नहीं 2099। ये ले मैंने इसको फाइनली दोस्तों मार दिया, मैंने 2099 को मार दिया। देखा मैंने इसका क्या हाल किया, मज़ा ही आ गया, मैंने ख़त्म कर दिया अपने दुश्मन को। तो गाइस मेरा सूट काफ़ी खराब हो रहा है, मुझे इसमें से उतर जाना चाहिए, ऐसा ना हो ये मुझे बर्न कर दे। उसके बाद हम इसको वापस चार्ज अप करेंगे और बाकी दुनिया के आतंक को ख़त्म करेंगे। फाइनली मेरा सूट काफ़ी काम हो चुका है, तो चलो इसको स्टॉक मेंशन लेके चलते हैं और चार्जिंग पे लगाते हैं। बाकी मैंने अपने पापा का बदला ले लिया।